नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सेवा सुरक्षा एवं सहयोग का नारा देने वाली पुलिस के दो भ्रष्ट कर्मचारियों को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी महेंद्रगढ़ सदर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार है। उसने एक मामले में किसी से 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसमें से वो 1.5 लाख रुपए पहले ले चुका था और जब वो 2 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था तो विजिलेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता अधिवक्ता बलबीर सिंह के चैम्बर में आरोपी नरेश कुमार रिश्वत देने पहुंचा था। इसे विजिलेंस विभाग ने धर दबोचा। इस मामले में SDM नारनौल मनोज कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त थे। दूसरा आरोपी सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार है जो कि कनीना थाने में पोस्टेड है। किसी मुकदमे में किसी मुजरिम को निकालने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इस कार्रवाई को गुरुग्राम विजिलेंस की टीम ने अंजाम दिया है। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। मैं सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार स्टेट विजिलेंस ब्यूरो गुड़गांव में तैनात हूँ। आज हम अपने किसी मुकदमे की तफ्तीश के दौरान नानोल करीना वगैरह में थे तो उस दौरान ये धर्म सिंह शिकायत करता है गांव को काला जिसने शिकायत करी हुई मेरा हमारे खिलाफ मुकदमा 62 नंबर दर्ज है कनीना थाने में और हमारे परिवार के 10 आदमियों के खिलाफ तो उसमें 4-5 व्यक्तियों का नाम निकालने की हालत में सब इंस्पेक्टर नरेंद्र ESI वो 15,000 रुपये रिश्वत मांग रहा है। उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई पर ड्यूटी स्टेट नियुक्त कराने के उपरांत नियम अनुसार कार्रवाई करके उसको थाने से रिश्वत के 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया। ये जो सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार हैं थाना सदर महेंद्रगढ़ में, ये मुकदमा नंबर 304/21 थाना महेंद्रगढ़ का अनुसंधान कर रहे थे जो जिसमें कुछ मुजरिम गिरफ्तार थे उसकी गिरफ्तारी होनी थी तो इन्होंने उनको निकालने के एवज में गिरफ्तार ना करने के एवज में और चालान न्यायालय में देने के एवज में उनसे 3.5 लाख रुपये की डिमांड की गई थी जिसकी एवज में उन्होंने अपने वकील के माध्यम से भाई जाँच कराने की बात की तो उन्होंने वकील को कहा कि भाई मैं जो ये है 3.5 लाख रुपये लगेंगे आप कुछ पैसे पहले दे दो कुछ मैं चालान दे दूँगा कुछ टाइम दे दूँगा। तो इस करके अपने जो आरोपी नरेश कुमार है इसने 12/5/22 को 50,000 रुपये एक 50,000 रुपये एक अलग अलग अपने जानकारों के मैं उसमें फोन पे या गूगल पे से कराए हैं और 50,000 रुपये नकद लिए और बोला भाई 16/5 को मैं चलान दे दूंगा, चलान देने के बाद 2 लाख रुपये मुझे दे देना। तो इन्होंने हमारे पास शिकायत की तो शिकायत करने के बाद इसको आज वकील के चैम्बर से ही 2 लाख रुपये नकद रंगे हाथों पकड़े गए जिसकी अभी अनुसंधान किया जा रहा है। बलबीर शेखावत एडवोकेट सिविल कोर्ट महेंद्रगढ़ गाँव सतनाली मैं शिकायत करता हूँ। मैं 2 मुलजिमों का वकील हूँ, एक रवि जाजड़िया एक प्रदीप कुमार और यहाँ ये 304 नंबर FIR थी जो 29/10/2021 की दर्ज की हुई थी थाना सदर महेंद्रगढ़ में। उसमें धाराएं थी 420 466 467 468 471 और 120 BIPC। ये धाराओं का मुकदमा था जिसमें 2 मुलजिम एक मुलजिम रवि 3/3/2022। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।